हेलो, मुझे पता है कि अभी आप काफ़ी बिजी हो, लेकिन रुको ज़रा, ये मेरा सजेशन सुनो। तो अभी आने वाले पेपर के लिए सबसे ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि 2019 में से 2019 टू 2022 जितने भी मतलब साइंस के 3-4 पेपर हुए हैं उनको पहले एक बार देख लो। वो कैसे देखना है आपको, यूट्यूब पर डालना है ऐसे 2019 साइंस 2 पेपर ऐसे, ओके। और कौन से भी चैनल का आ जाएगा, और आपको क्या करना है उसका थोड़ा स्पीड बढ़ाकर 1.5 या 2x ऐसे स्पीड पर आपको क्या करना है, देखना है। देखना है मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर देखना नहीं है, उसको याद भी करना है, ओके। और उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी एक्सरसाइज है हर चैप्टर के पीछे ऐसे टेबल्स दिए होंगे, ओके, ऐसे कुछ टेबल्स दिए होंगे, उनको क्या करना है, सबसे पहले टेबल को ना आप नोट्स के जरिए से उसको फील करना है और प्रैक्टिस करना है। क्या करना है, टेबल्स को ध्यान से देखना है, उसमें मैच द फॉलोइंग होंगे फिलअप्स रहेंगे, ऐसे कुछ भी रहेगा, ओके। आपको क्या करना है, और साइंटिफिक रीज़न भी ऊपर ऊपर से देखने फटाक से, ओके। और ये टेबल को छोड़ना नहीं है। उसके बाद ना आपको ना चैप्टर्स के अंदर भी ऐसे कुछ टेबल्स दिखाई देंगे, मतलब ए वाला देखो, ए वाला पिंक येलो ऐसे कुछ टेबल्स दिखेंगे। और आपको क्या करना है, सिर्फ एक बार देखना है, और जो आपको लगता है इम्पोर्टेंट है तो उसको आपको क्या करना है, पढ़ना है, याद रखना है। सिर्फ क्या करना है, पढ़ना है, मतलब 2-3 बार पढ़ना है, रट्टा नहीं मारना, पढ़ना है, ओके। और ये देखो अभी लायन टेल मंकी का यहाँ पर डायग्राम दिया है, तो ये क्या है, किसके रिलेटेड है, तो यहाँ पर पैराग्राफ में थोड़े से ऊपर से देखो क्या है लायन टेल मंकी, ओके। एक है एंडेंजर्ड स्पेशीज है, ओके। रेड पांडा क्या है, ए है, ओके। हाँ अभी ये क्या करो, फिर ये जो रेड वाला है उसको पढ़ो, उसके बाद में ब्लैक जो हाईलाइट चीज़ें हैं उनको पढ़ो फटक फटक से, आपको क्या करना है, रिवाइज करना है, ओके। ये पूरा नहीं पढ़ना, अगर पहले पढ़ा होगा तो ठीक है, लेकिन कुछ नहीं पढ़ा अभी आप पढ़ रहे हो तो ये गलत चीज़ है, ओके। अभी देखो ये बायोफ्यूल प्रोडक्शन है क्या चीज़ है, ये डायग्राम क्या शो कर रही है, थोड़ा देखो, ओके। कुछ नहीं समझ में आए तो थोड़ा पढ़ के देखो, ओके, ऐसे ये डायग्राम वगैरह सब करो, ओके। और ना ये देखो ये किसके रिलेटेड है, लाफ्टर कब है, क्लब है, ये ध्यान से पढ़ो। एक इसके लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, बस इतना ही याद रखो, ओके। और जो ईवीएस को इग्नोर नहीं करना। अगर आपको लग रहा होगा कि मैं लिखूंगी, अरे लेकिन आपकी मदर टंग इंग्लिश नहीं है, इसलिए आपको प्रॉब्लम आ सकती है, तो ना उसे एक बार ध्यान से पढ़िएगा, मतलब आप थोड़ा मतलब पहले ही आंसर प्रिपेयर करके रखिएगा, वरना वो वहाँ पर टाइम कंज्यूमिंग करेगा आपका, आप सोचोगे ऐसे लिखूंगा वैसे लिखूंगा, ओके। अभी देखो ये पूरी फेरा है, तो पूरी फेरा में इस कैरेक्टर पढ़ने से पहले इनको ध्यान से देखो और रिलेट करो, ये क्या है ऑसिकल, ओके। पूरी फेरा में क्या आता है, स्पॉन्जेस आते हैं, स्पॉन्जेस में स्पोर्स रहते हैं, ओके। तो इसकी प्रॉपर्टी हो गई ना, पूरी फेरा में स्पॉन्जेस लाइक ऐसे स्ट्रक्चर रहते हैं, ओके, और एक कॉलर सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, और ये सब मतलब ऐसे देखकर आप पता करो, ओके। ये क्या है, असिमेट्रिकल है, मतलब सिमेट्री नहीं शो करता, कोलेंट्रेटा यानी कि क्या रहता है, तो ये पूरे ऐसे देखो क्या क्या है, ओके। और आपको इस चैप्टर में से क्या करना है, मैमल्स करने हैं, अगर नहीं किया तो एक बार पढ़ो मैमल्स के कैरेक्टर्स, उसके बाद में रेप्टाइल्स, एव्स यानी कि क्या रहता है, बर्ड्स रहता है, उसके कैरेक्टर पढ़ो, ओके। उसके बाद में मैमल्स, रेप्टाइल्स, एव्स, एक मिनट, एम्फीबियन के क्या रहते हैं, और हाँ बस इतना ही है। ये प्रीवियस ईयर में रिपीट हो गए थे, आपको पता चलेगा, आप प्रीवियस ईयर पहले देख लो, और जिसमें जो कैरेक्टर पूछे हैं उन्होंने उनको तो एटलीस्ट रट के जाओ, छोड़ के मत जाओ, ओके। और यही मेरा आपके लिए सजेशन था। और ये जो बॉक्स में ऐसे बॉक्स में दिया होगा, मतलब ऐसे चार्ट्स दिए होंगे, और कुछ जगह आपको क्या करना है, कंप्लीट भी करना है, मतलब ऐसे चार्ट कंप्लीट करने हैं, तो उनको भी ना आप थोड़ा डाइजेस्ट की हेल्प से वगैरह कंप्लीट करके जाओ। अभी देखो सब बैक्टीरिया तो याद नहीं रह सकते, तो ये यहाँ पर बैक्टीरिया का नाम दिया है और इमेज दिया है, डायग्राम दिया है, तो इसका मतलब ये कुछ तो इम्पोर्टेंट रहेगा ना, तो इसका क्या यूज़ है, आप यहाँ पर देख लो, नहीं आपको टाइम वेस्ट करना तो गूगल मारिएगा इसका क्या है। और वो ऑयल क्लीन करने का
एक बैक्टीरिया है, देखो उसको ध्यान से देखो आपके, मुझे शायद लगता है कि बुक में उसका अच्छी तरीके से नाम नहीं है, नाइन्थ में स्टैंडर्ड में वो बैक्टीरिया का नाम लिखा है, अगर नहीं मिलता तो ठीक है आप क्या करो गूगल पर सर्च मारो ऑयल क्लीन करने वाला कौन सा बैक्टीरिया रहता है, ओके। और ना यहाँ पर देखिएगा और क्या बताना चाहता था, ये बॉक्स में दिए आपको जो भी ऐसे टेबल्स रहेंगे, चार्ट्स रहेंगे, और वो फ्लो चार्ट्स, वो एक EVS में एक कौन सा चैप्टर है उसमें, मतलब एनर्जी प्रोडक्शन का वो चैप्टर है ना, उसमें जो चार्ट्स दिए चार्ट्स उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी शायद कुछ तो चैप्टर का नाम है, फिफ्थ वाला, और उसमें बहुत सारे ऐसे 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 चार्ट्स दिए हैं, ऐसे बुक में बहुत चार्ट दिए हैं चैप्टर में, उनके सब के सब चार्ट्स और डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, विंड मिल के क्या डिसएडवांटेजेस है उसको भी एक बार देख लीजिएगा, ओके। और ज़्यादातर आपको ऐसे ही चार्ट्स वाले सवाल आने वाले हैं, गिव रीजंस आने वाले, कैरेक्टर्स, ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ ये तो फिक्स आने वाला है, ओके। मैमल्स का देख लो क्या क्या रहता है, बस इतना ही था, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, ओके। और टेंशन मत लो यार, सिर्फ एग्ज़ाम है, अच्छी तरीके से लिखो, ऑल द बेस्ट, अच्छी तरीके से पढ़ाई करो, ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।